हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रोटरी कंप्रेसर कैसे चेक करते हैं और डायरेक्ट कैसे चलाएं। तो ये पुराना रोटरी कंप्रेसर लेके आए हम लोग विंडो एसी में चेंज करने के लिए। सबसे पहले इसका जो है हम लोग क्लाइंब मीटर से टर्मिनल का कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक कर देंगे, कंटिन्यूटी सही है। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद जो है अब इसका हम लोग बॉडी ग्राउंड चेक करेंगे। तो बॉडी ग्राउंड चेक करने के लिए पेंट को हम लोग छुड़ा देते हैं बॉडी से, उसके बाद टर्मिनल टू बॉडी चेक करेंगे तीनों। तो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड नहीं है, सही है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कंप्रेसर का वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के बाद इसको चला के चेक करेंगे। देख सकते हैं अभी तार लगा दिया, ये हो गया कॉमन, ये ब्लू हो गया रनिंग, येलो जो है वो हो गया स्टार्टिंग। इसके बॉडी पे लिखा रहता है टर्मिनल का कवर जो होता है उस पर रनिंग स्टार्टिंग को। तो ये हो गया कैपेसिटर आपका 35 का, ब्लू जो है वो है रनिंग। तो दो सप्लाई जाएगा, एक रनिंग पे जाएगा, एक कॉमन पे जाएगा। न्यूट्रल फेस किसी में भी दे सकते हैं, कॉमन में फेस दे सकते हैं, रनिंग में न्यूट्रल देख सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। बट स्टार्टिंग हमेशा सिंगल होगा कैपेसिटर। फाइनली कनेक्शन हो गया, अब इसको हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। तो पावर लाइन इसमें जोड़ रहे हैं, देख सकते हैं रेड कॉमन हो गया, रनिंग ब्लू हो गया। बढ़िया से टूस कर लिए, लूज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, तो स्पार्क करेगा। तभी फाइनल हो गया वायरिंग। अब इसका हम लोग एम्पियर चेक करेंगे। तो एम्पियर चेक करने के लिए इसको क्लाइंब मीटर को लगाएंगे। अब इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले पाइप में जो टेप है उसको निकाल देते हैं और क्लाइंब मीटर लगा लेते हैं। क्लाइंब मीटर लगा के अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। क्लाइंब मीटर लगा लिए, अभी स्टार्ट किए तो देख सकते हैं इसका एम्पियर जो है 2.2। लोड जब दे रहे हैं प्रेशर का तो 3 एम्पियर ले रहा, इसका मतलब कंप्रेसर सही है, कंप्रेसर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।